हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हैदराबाद के हैवानों के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद भी बलात्कारियों ने सबक नहीं लिया। ताजा मामला यूपी के बुलंदशहर का है, जहां खेत में सब्जी तोड़ने गई एक 14 साल की नाबालिग किशोरी को तीन युवकों ने खेत में बंधक बनाकर अपनी हवस का शिकार बना डाला। यही नहीं, आरोपियों ने गैंग रेप का वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आनन फानन में पुलिस ने मामला दर्ज कर जहां पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला महिला चिकित्सालय भेज दिया है, वहीं गैंगरेप के तीन नाबालिग आरोपियों और वीडियो वायरल करने वाले चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। वाक्य बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र का है, जहां दरअसल 3 दिसंबर को जब ये नाबालिग किशोरी खेत में रोजाना की तरह सब्जी तोड़ने गई थी, तब गांव के ही इन तीन दरिंदों ने इस किशोरी को बंधक बनाकर अपनी हवस का शिकार बना लिया। आरोप है कि दरिंदों ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। यही नहीं, पीड़िता का गैंगरेप का वीडियो बना एक अन्य नाबालिग लड़के ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस की माने तो पीड़िता के चाचा ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। आज शाम 4 बजे पहासू थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा थाने पे जाकर के एक तहरीरी सूचना दी गई कि उसकी भतीजी के साथ 3 तारीख को, इसी महीने की 3 तारीख को, गांव के ही उसके खानदान के 3 लड़कों द्वारा बलात्कार किया गया और एक चौथे लड़के द्वारा आज कोई वीडियो जो उस समय बनाया गया था उसको वायरल किया गया। इस सूचना पर तत्काल समुचित धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया और 2 घंटे के भीतर ही पुलिस ने 4 नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने वीडियो वायरल किया था उसे और जो आरोपी हैं। इसमें ये उल्लेखनीय है कि ये 4 लड़के नाबालिग हैं और वो बच्ची जिसके साथ बलात्कार किया था वो भी नाबालिग है। तो फिलहाल आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के लिए कानून व्यवस्था से ऐसी कोई समस्या। और पुलिस ने 2 घंटे के अंदर तीनों धर्मेंद्र और वीडियो वायरल करने के चौथे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हम इस सैफी, टाइम 24 न्यूज। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।